सादा पी ली थी बहन जी, रब दी सो, इतना मुझे ध्यान है कि वो कह के गया था कि मैं घर जा रहा हूँ। सरबजीत घर के लिए निकला होता तो अब तक पहुँच ना जाता। बकवास बंद कर, चल ढूंढ का है मेरा भाई। सरबजीत वीरे, मेरे भाई को देखा है? नहीं देखी है बहन जी, नहीं देखी। और किसी को फोन कर दो। नहीं है बहन जी। ओ रुक रुक रुक, देखो उधर कोई है। कौन है तू? कौन है तू? मैंने कौन है जी? ओए किथे है मेरा भाई? वीरे, आसपास के सारे खेल छान ली बहन जी, दोस्तों नूं फोन भी कर लेता, कुछ पता नहीं लग रहा। ओदी तो किसी दे नाल दुश्मनी भी नहीं सी, हुण अग्गे की करना है बहन जी? लेकिन एफआईआर दर्ज करने में तकलीफ क्या है? ओए पुत्र जी, 5 दिन तो हुए हैं अभी। अरे वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, ये जो बॉर्डर के पिंडों के लड़के होते हैं, ये खेती बाड़ी का कहाँ कोई मतलब समझते हैं, बस स्मगलिंग और जासूसी का लालच उसमें घुस गए हैं। सरबजीत वैसा नहीं है, जिम्मेदार है, कर गृहस्थी वाला है वो। ओ बहन जी, ये जो कर गृहस्थी की बात करिए ना, सबसे पहले कर गृहस्थी वाले भागते हैं, और आपको क्या बताना, आप तो खुद पहले से ही ये सब भुगत रही हो। ठंड रख सरदार जी, निक्की निक्की बच्चियां हैं उसकी, हमारी तो कोई पहुंच पहचान है नहीं, बस आप ही कुछ मदद करो। अरे हम क्या कर सकते हैं, पक्का उसने आंट गवान के पिंड में कोई दूसरी कर रखी होगी। बेबे आप पंचायती रहने दो। क्यों, मैंने गलत कहा क्या? तेरे तो कोई आस औलाद है नहीं, अब भाई तक करते बसन दे। चलिए बहन, तेरे तो कोई आस औलाद है नहीं, अब भाई तक करते बसन दे। मस्ती में हो के तुम, मैं घर बैठा हुड़ तुम, इश्क़ दी तुन दिल में बजती तुम तुम लग तुम लग तुम, है शोशे बाजी में आशिक अंदाजी में, मेरे दिल दा लट्टू उड़ गया बन के इश्क मिजाजी में। तुम लग तुम लग तुम, मैं घर बैठा हुड़ तुम तुम लग तुम लग तुम।
कुछ नहीं बचा उसमें, खत्म हो गई है वो। ला अब दे दे दलबीरे। रब सब ठीक कर देगा, तू चिंता ना कर। ए आंगन ज्यादा दिन सोना नहीं रहना, रब फिर गोद भर देगा। इसकी गोद में जगह कहाँ है, सोना तो मैं रहेगा। दलबीर, ओए पागल ना बढ़। नहीं रुक सकती मैं, अस्पताल में है मेरा भाई, काला पीलिया हुआ है उसे, तू क्यों नहीं समझ रहा? अरे नहीं समझ आता मैनू, दिन रात ओदे लिए पूजा पाठ करी है, खाना पीना चटके बैठी है, परिवार है ना ओदा, अब अपनी घर गस्ती और मैनू भी चटके जाना चाहनी है। कोई पाई है मेरा बलती, बड़ी मिन्नतों का मांगा, पाला है मैंने उसे, मुझे जाने दे उसके पास, हाथ छड़। अगर आज मैंने तेरा हाथ छटता ना, फिर वापस कभी नहीं पकड़ूंगा। चलिए काम बंद कीजिए, कर्फ्यू लगने वाला है, काम बंद करो। बहन जी, बहन जी, कर्फ्यू लगने वाला है, सब लोग घर जा रहे हैं, आपको देर हो जाएगी तो फिर बस नहीं मिलेगी। वैसे आप एक हफ्ते की छुट्टी और ले लेते, फिक्र मत करो बहन जी, सरबजीत मिल जाएगा। कुछ जवाब सिर्फ ऊपर वाले के पास ही होते हैं। कल सुबह एक प्रभात फेरी निकल रही है स्वर्ण मंदिर के लिए, आप भी चले जाओ, शायद आपकी भी अरज सुन ले। अखियों के धारे सूखे हैं सारे, फिर से ला दे रे ओ रब्बा, मिलिया मिलिया ना दुखोया, मिलिया मिलिया ना ओ रब्बा, मिलिया मिलिया ना रे ओ रब्बा, मिलिया मिलिया ना दुखोया, मिलिया मिलिया ना ओ रब्बा, मिलिया मिलिया ना रे ओ रब्बा, मिलिया मिलिया ना ओ रब्बा। पाकिस्तान चिक्की, 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 चिक्की।
चल ला दे चिट्ठी। आज दोपहर डाके आया सिगा, वो भी पता नहीं किसकी पाकिस्तान से चिट्ठी लेके। बैरम हमने तो जी हाथ ही नहीं लगाया, बस तभी से ये चिट्ठी चिट्ठी कर रही है। आफत आ गई पुत्र जी। चाचा जी आपकी बहुत बहुत कृपा होगी, आज पाकिस्तान से हमारे लिए कोई बैरन चिट्ठी आई है, वो हमें दे दीजिए। ओए रुक ओए। हाँ, अरे अगस्त 1990 पिछले 8 महीने इच मैं वो एक दिन 8000 बारी जी चुका हूं। कदी ते कोई अजीब पोज वाली फोटो निकालो ना मेरी तुसी, जब मैं सच के बैठी हूं। ओ मेरे सुख मेरे चैन, तू तो ना लिपस्टिक लगान दे जाते जान दिए। ओ सुख पुत्र, एक काकी ने सुसु करता। आए आए। ओ छेती आपने। आए मेरा बच्चा। ओ मेरी सोनी ठुल्लू का वाली। दारजी तुसी चश्मा। चलो ए, मस्करिया छड़। ये ले स्वपन नु फड़, मैनू ऑफिस जाना। ले ला एक फैमिली फोटो। ले। चलो ए नालायका। खेतों में नहीं जाना, अगले महीने मेरा कोश्ती टूर्नामेंट हैगा। हाँ तू बस तफरिया ही कर दे रहना। ओए तफरी नहीं है, तू खड़ के देखी। पूरा पेंड मैनू कंधे दे चक के ले आएगा, सब सलामी दोगे। अरे मेरे वोटी क्या, तेनू भी सब मेरे नाम तो जानेंगे। सरजीती भैन वाह, सरजीती भैन वाह। चल ऑफिस छोड़, देर हो रही है मुझे। चल अरे फोटो तो ले लेना। सुनो जी सापनो भी नाल ले जो गेड़ी वास्ते। चलो मेरी ठंडू कॉप्टर, ऑफिस ऑफिस खेलेंगे। डैडी नाले जा, चल पक्का जल्दी आना। हाँ अरे ओए सुखा, ओए आज करेला खिला दी यार। अब छाड़ दे। कुश्ती के चक्कर में तुझे कुछ याद नहीं रहता नालायका। आ तू घर वापस, तुझे बताती हूँ। अरे रुक तो जरा, तेरी तो खैर नहीं। ओए शर्म करो, तुम्हारी अखा दा तारा घर के पार भूखा प्यासा बैठा है। अरे सुख तो पराया खून, तू तो मेरी भैन है। ओए भगवानो खोल दो दरवाजा। सरबजीत सिंह अटवाल दीवार फोंद के नहीं होना। सोचना भी मत, खबरदार जो किसी ने दरवाजा खोला तो। ओए हमारी क्या शामत आई है। रास्ता गिन रहे हैं, फिर मिंता करोगे ना तो भी वापस नहीं आऊंगा। सुख सुन रही है ना, कल्ले पाल नहीं फिर दोनों कुड़िया। हाँ जी तुसी फिकर ना करो, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और नहीं तो क्या, अब तर्स बाहर खड़े खड़े। अरे तुम लोग तरसोगे, बोल रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, जा खसमड़ खा। ठीक है फिर, याद रखी जा रहे हैं। ओके जी, आंडिया गवांडिया नू प्यार और वंडिया नू। बैठ जी देखो बेशर्मा, आप तेरी खैर नहीं। ओए गिरला गिरला रख ले यार। ओए भाड़ में जा। अब आई हूँ मैं, सोने दे कंजरा। काट जाना है, सवेरे से मंजे थे दलवीर ने मेरी शक्ल नहीं देखी ना, तो
तू बड़ी जुतियां खाना है। खा लगा जुतियां अभी सो रहे थे। स्कूटर तो ले आए। जय जय शिव शंकर खंडाला के ना शंकर सरबजीत तेरी गाड़ी से पेट्रोल खत्म हो गया फिर क्यों है और पा लेंगे टैंकी फुल कर लेंगे। पहने ये समझने में कि मैं निकला तो कार के लिए पर पहुंच लाहौर गया। बोली भी हमारे जैसी, कपड़े भी, शक्लां भी अपने ही लगे सी। समझ ही नहीं आ रहा सी कि मुझसे इतना नाराज क्यों है। रंजीत सिंह है ना तू? Come on, 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 come on
कुछ होया, बहुत दिनों या महीनों तक याद नहीं, याद रखना भी नहीं चाहता। हाँ पानी लो, ठंडा लोगे या सादा? हुजूर, मैं कुछ नहीं किया, अब तिवास्त मेरे माफ कर दो। रंजीत सिंह है ना तू? नहीं सरकार, मैं कुछ 5-5 बॉम्ब ब्लास्ट किए तूने पाकिस्तान में। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इतने लोग हलाक हो गए, ऐसे कैसे माफ कर दे? नहीं सरकार, मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक बार नहला दो इसे, शायद याददाश्त वापस आ जाए। उठाओ इसको, दे दो 4 पट्टे खींच के, सब गया। अब तो नाम याद आ गया होगा काके, रंजीत सिंह है ना तू? अरे बोल, ले पढ़। और दुनिया अंधी जनाब, मेरे पीछे पीछे बोल कैमरा में देख के, मेरा नाम रंजीत सिंह है। मेरा नाम नहीं बोलना चाहिए था, पर उन पागल बचारों की चिखें कन्ना इच गूंजती हैं। 8 महीने इच हार गया, डरा हुआ बंदा कुछ भी कर देता है। पैने कहां से हो? हिंदुस्तान। इल्जाम? पता नहीं। घर वाले? उनको तो खबर भी नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। खुदा खैर। मुझ पर इल्जाम है कि इनकी अम्मी को मैंने मार डाला। अच्छे लोग भी हैं, कोर्ट दी अगली तारीख का तो हूं पता नहीं, बस उम्मीद है कि चिट्ठी मिलने तो पहला शायद रिहा होके मैं ही आ जाऊं। कभी लगा ही नहीं कि पाकिस्तान इतनी दूर है और वहां से वापस आना इतना मुश्किल, पर तू चिंता ना कर, पिंड में सब मदद कर रहे हैं। पुलिस के आला अफसरों से बात हुई, कौन है ये रंजीत सिंह जिसके कर्मों की सजा तू भोग रहा है? अरे बीबी, आपकी तरफ तो आ रहा था, आपकी बाकी चिट्ठियों की तरह ये भी वापस आ गई। वापस आ गई?
जी, टीवी पे सरबजीत पाजी को दिखा रहे हैं। सरबजीत कल अधिवेशन के पहले दिन सरकार का इरादा है कैसा, वो क्या कह रहे हैं, वो छूट गया जी, वो तो हंस रहे थे, शेर दे पुत्र हैं। सारा कुछ उर्दू में लिखा थी, कुछ पता ही नहीं, चोट तो नहीं लगी ना? फिकर ना करो जी, खबर फिर आ जाऊंगी, तुसी बैठ जाओ। मैं जाऊं बीबी, टीवी इतने ला देता, इतने बह के वेख लो। मेरे दारजी के पास उर्दू का पेपर आता है वहां का, क्या कह रही है, है? छोड़ दिया क्या उसे, हा? पता क्या लिखा है? अरे बताना क्या लिखा है। रणजीत सिंह मट्टू को सजाए मौत। उर्दू पढ़ लेते हो ना दार जी? एक ही बकवास है, सिर्फ जीत की फोटो, सजाए मौत। पाकिस्तान में 5 बम ब्लास्ट करने वाले भारतीय दहशतगर्द रणजीत सिंह, पर ये तो मेरे धर्मजीत है। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई, ऐ नहीं हो सकता, ऐ की बकवास है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक नहीं फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। मुलजिम के वकील अब्दुल्ला हसन, सिर्फ सजा सुनाई है, तारीख नहीं दी, तो रोक सकती है। मैं कुछ नहीं कर पा रही दार जी, आप देख रहे हो ना, उसकी बीवी, उसकी बच्चियां, उसका घर सब रुड़ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। ओए, मैं कभी उस पे हाथ उठाता था ना, तो तू मुझसे भिड़ जाती थी, सारे पिंड से लड़ बैठती थी, तू ही करेगी, तू ही उसे घर वापस लाएगी। ये मुसीबत मेरी हैसियत से बहुत बड़ी है दारजी, बहुत बड़ी हैसियत। हमेशा हिम्मत के आगे छोटी पड़ जाती है पुत्र जी, तू घर की फिक्र ना कर, मेरी पेंशन है ना, तू बस मेरा बेटा ला दे। दारजी
अरे बहन जी, और कितने नेताओं के पीछे भागोगी? आपको कितनी बार समझाया है सरबजीत झूठे मुकदमे में फंसा है, वो भी पाकिस्तान में। अरे ये छोटे मोटे मंत्री या पटवारी कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रधानमंत्री के लेवल की बात है ये, समझी? हाँ रोटी, ये लो रोटी। रोटी रंजीते, ओ रंजीते। सरबजीत, क्यों मुझे सब रंजीत बना के फांसी चढ़ाना चाहते हो? आज तो तू रंजीत ही रहे। ये ले रोटी, ले लेना रोटी। राती नींद ही नहीं आती है तो लगता है आप भी जगे हुए होंगे। बस फिर आपके बारे में सोचते सोचते सवेरा हो जाता है। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उमर सलामत रहे। प्रधानमंत्री जी से मिलना है जी। आपको कितनी बार समझाया बहन जी, आप फिर भी रोज रोज आ जाती हैं। जाइए यहाँ से, जाइए। अरे आप ही सर। ओ बहन जी, बहन जी ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता है जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के लोगों से नहीं मिल सकते? ओ बहन जी, मिल तो सकते हैं लेकिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट कैसे? बहन जी आप एक काम करो, उधर नुक्कड़ पे एक दुकान है, वहाँ से छोटी सी फोन की डायरेक्टरी ले लो, उसमें सभी नेताओं और उनके सेक्रेटरियों के नंबर होते हैं। हाँ जी, फोन मिलाते रहना, मिल जाएगी। Thank you.
बीबी। सस्रीकाल जी। सस्रीकाल। तो अपना घर परिवार छोड़ के कब तक यहाँ बैठी रहेगी? जब तक अपॉइंटमेंट ना मिले। अपॉइंटमेंट लेने में तो महीनों निकल जाएंगे। बीबी ये लड़ाई है, तू सोच ले। वाहेगुरु जी। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। 23 अगस्त मंडे को फोन कीजिए दोपहर 2 बजे। सजाए मौत ता मिलगी पर औस्ती तरीक नहीं। इंतजार ही काफी आ इंसान नू मारन वास्ते। एथे जब इंसान नू होर सताना होंदा है ता थोड़ी खुशी दे देंदे ने। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲਾਪਣ। ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੰਦ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਨਮ ਦੇ ਚੰਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਹੁਆ? हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बस 8 महीने लगे अपॉइंटमेंट में और 3 मिनट की मुलाकात और हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हद हो गई है दारजी। उन्होंने कहा है ना हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना बहन जी? और अब ओए कुछ तो बोल। पेटी में पड़े पड़े सड़ गए थे। कुड़ियों को कुछ नया नहीं दिला सकती, कम से कम कुछ सुंदर तो बना के थी तू। ओ बस कर, बस कर। निक्की का नाम पूनम रखेंगे। पूनम, पूनम, दिल खुश करता है ना रख के। अब तो यह भी बर्दाश्त हो जाएगा कि मैनू काल कोठरी च डाल दिता है नए सुपरिटेंडेंट ने। हिंदुस्तानियों और खासकर मुझसे बहुत नफरत करता है। तुहाड़ी पिछली 2-3 चिट्ठियों के पन्ने अधे अधूरे मिले, हुण अगे मिले भी या नहीं पता नहीं। इसे पढ़ो, सुकून मिलेगा। इसमें हिंदी में भी लिखा है। अल्लाह नेक बंदों के साथ है, अल्लाह नेकी के साथ है। जो दूसरों की मदद करे उनके साथ है, अल्लाह इंसानियत के साथ है। चाचा, पता है नेदो रंजीत को जहां से तू पार चला गया वहां अब बाड़ा लग गया है।
काश ये 3 साल पहले हो जाता तो। तुसी लोग बाजार भी जाते सी तो मैं घर ते कल्ला नहीं रह पाता सी। और देखो आज अपनी जिंदगी तो दूर कल्ले रहंदे रहंदे इन्ने साल गुजर गए। मेरी बेटियां स्कूल ले जा रही हैं, मैनू तो पता भी नहीं दिसती कैसे हैं, सुख ते गई हैं या मेरे ते। मेरे सुख, मेरे चैन, मेरे ना दा लिपस्टिक पाउडर मत भूलना। ये फट 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 क्या है इन्नी आवाज? आज दिवाली है बेटा, आज पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और खूब सज धज के एक दूसरे के घर जाते हैं। हम भी। अच्छा दार जी पटाखे लाए। वाह, लाल लाल चूड़ियाँ ले। दार जी किन्नी सुंदर। दार जी माँ। दार जी अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया कि भारत ने पोखरण राजस्थान में 3 न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने कल 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए। उनके प्रधानमंत्री का कहना है कि ये भारत द्वारा किए गए 5 न्यूक्लियर टेस्ट को पाकिस्तान का करारा जवाब है। इसके चलते LOC पर स्थिति तनावपूर्ण, दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई है। जनाब, मेरी फांसी की तारीख मुकर्रर होगी क्या? नला दुला के रुखसत करोगे? आज ईद है। पिछले साल भी सी और उससे पिछले साल भी, मेरे लिए क्या बदला? ज्यादा दीवाना मत बन रंजीते, आज सुपरिटेंडेंट साहब खुश हैं। तो मेरी एक दरख्वास्त मान लेंगे? बोल। मेरी आखिरी फोटो मेरे घर वालों ने 10 साल पहले देखी सी। 3 साल से तो कुछ चिट्ठी पत्री भी नहीं हुई। मेरी एक फोटो मेरे घर भिजवा दो, उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। आज सुबह भारतीय पार्लियामेंट पर आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। सूत्रों का कहना है कि ये शर्मनाक हरकत पाकिस्तान की है। पार्लियामेंट अटैक के बाद जीना मुश्किल हो गया। अरे हमें तो जाने दो, हम तो रोज जाने जाने वाले हैं। मेरी गाल ये सी मिल जान दो। सच्ची सच्ची मेरी गाल सुनो। सच्ची ओ जी सी एफ साहब, हमें जिम्मेदारी दीजिए। सी एफ साहब जी, मैं दलवीर सरजीत की बहन सी एफ साहब। कौन है जी? बात सुनिए सी एफ साहब जी, मुझे मुझे बात करनी होती है। अरे क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ उन्हें। कालरा जी, ओ बीबी रहने दे। सीएम साहब जी, सीएम साहब जी, कालरा जी, कालरा जी, वो नए सीएम साहब को प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी देनी थी मुझे। बीबी कितने साल बीत गए इस चिट्ठी को? कई प्रधानमंत्री आए, कई सरकारें आईं और चली गईं। देश के पास और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। मैं देश जितनी बड़ी नहीं हूँ, मेरे पास एक ही मुद्दा है, एक ही पाई है मेरा। नए सीएम साहब को मेरी बात सुननी पड़ेगी। इस देश का बेगुनाह बच्चा है वो। बेगुनाह? आतंकवादी कहो आतंकवादी। अरे तुम्हारे भाई की वजह से नाक कट गई है हमारी पाकिस्तान के सामने। हम क्या उन पर उंगली उठाए? हमें शर्मिंदा करने के लिए उसका मुद्दा ही काफी है। लो देखो और दूर करो इसे हमारी नजर से।
जी बहन जी। बस छाप दिया कि वो आतंकवादी है, बेइज्जत कर दिया उसे और उसके परिवार वालों को। ये देखो, ये एक बारी हमसे हकीकत तो पूछ लेते। ये लो, ये देखो, पढ़ लो अच्छी तरह से। देखो, गांव का मामूली किसान है, कार गृहस्थी वाला। 12 साल से जहां सरजीत सिंह पाकिस्तान की जेल में बंद अपनी बेगुनाही की सजा काट रहे हैं, वहीं उनका सारा परिवार यहां पे दिल दिल कर मर रहा है। In a small village of Punjab in India, a family is on fast to death for Sarjeet Singh, a simple farmer who has been incarcerated in a Pakistani jail. और पंजाब का एक गांव भिखी बिंड आज एक साथ खड़े होकर आवाज उठा रहा है। अमृतसर के भिखी बिंड का सरजीत सिंह, उसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। ये एक रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन का केस है। वो आदमी जेल में सड़ा है, लेकिन अफसोस की बात कि हमारी सरकार को इस बात के लिए कोई चिंता नहीं है। रणबीर बहन जी, तुम्हारे लिए कॉल आया कनाडा तो। कनाडा से? हाँ जी। कौन? ये ह्यूमन राइट्स वाले ने, वो बोल रहे ने पाजी लाई कुछ करेंगे। गल करो तो सीधो ना। हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ जी पाजी। हाँ जी, मैं आप उससे मिलने जाओगे? आप सरबजीत से मिलोगे? मिलने जाएंगे? रोशनी कीजिए। ये बेड़ियां निकालने का ऑर्डर तो हम कब से सबमिट कर चुके हैं, हटाओ इन्हें, इसे खाली करो और रोज करो, वरना सारी फॉरेन एड बंद हो जाएंगी। चीजें पहले जैसी नहीं रही, रब ते भरोसा रख। हिंदुस्तानी? नहीं, हूं तो पाकिस्तानी, पर सच्चे बादशाह का बंदा हां, ईश्वर सिंह। ये तुम्हारे घर वालों ने भेजा है। आप आगे नहीं जा सकते। पंजी, आप चिंता मत करो, भाषण वाषण मैं सब संभाल लूंगा। भाइयों, 1971 से हमारे कितने कैदी पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं, मगर हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। पिछले कई सालों से हमारे भारत के बेटे लाशें बनकर वहां से वापस आते रहे हैं, मगर हमारी सरकार ने कोई आवाज नहीं उठाई। माजी तो हमसे बहुत दूर चले गए। कितने बेगुनाह गलती से उस पार चले जाते हैं और बीसियों साल वहां की जेलों में घुट घुट कर मरते हैं, मगर हमारी सरकार ने कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि यह सरकार गूंगी है। दिल्लो जी, कुछ कहिए ना दूध।
हमारी पार्टी अब किसी बहन को रोने नहीं देगी। तालियां। आइए बहन जी, आइए, आ जाइए। सरबजीत के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुरान शरीफ में लिखा है कि बेगुनाह को सजा देना, बेगुनाह को मौत देना, पूरी इंसानियत को मौत देना है। मुझे भरोसा है अल्लाह के बंदों पर और मुझे यकीन है कि सदर पाकिस्तान अशरफ मियां एक सच्चे मुसलमान है और मेरा सरबजीत एक बेगुनाह। उसे सजाए मौत कभी नहीं होगी, वो अपने घर वापस आएगा, बाइज्जत वापस आएगा। उस पर लगाए सारे इल्जाम झूठे हैं। वो इस देश का बेटा है, आप सबका भाई है। मैं उसके लिए अकेली नहीं लड़ रही और मैं जानती हूँ कि मेरे मुल्क का हर भाई हर बहन इस लड़ाई में मेरे साथ है। उसकी रिहाई की पेटिशन के लिए लाखों साइन करें। उसके साथ ये नाइंसाफी अब और नहीं होगी। सरबजीत के लिए अपनी आवाज उठाओ और इतनी बुलंदी के साथ उठाओ कि हर पाकिस्तानी के दिल तक हमारी आवाज पहुंचे। जय हिंद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति मियां अशरफ ने बेहतर हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों की तरफ पहल करते हुए एक हिंदुस्तानी कैदी सरदार सिंह, जो कि पिछले 35 सालों से पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा था, उसे रिहा करने का अहम फैसला लिया है। मेरा नाम सरदार सिंह है। सरदार सिंह जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप 35 साल पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तान कैसे पहुँच गए? मैं पाकिस्तान भारतीय जासूस था। उनके इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान में स्थिति बहुत तनावपूर्ण। अरे बहन जी, आज त्योहार वाले दिन तो चैन कर लेती। ले आओ बिट्टू, अपना कंप्यूटर दिखाओ, अपनी बुआ जी को कौन सा मेल छेल आया है। बेटा जरा दिखाई। हेलो, ओ बीबी टीवी देखो। टीवी तो इतने है नहीं अब। पता नहीं न्यूज़ आ रही है, तुसी देखो। हाँ जरा आवाज ऊंची कीजिए। पाकिस्तान में कैद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह के केस ने आज एक बहुत दुखद मोड़ लिया है। पाकिस्तान में मौजूदा हालात के चलते प्रेसिडेंट अशरफ ने एक बहुत अहम फैसला लिया है, जिसने सरबजीत के परिवार की उम्मीद और इंतजार दोनों पर कलम तोड़ दिया है। सरबजीत, जो पिछले 18 साल से पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बंद हैं, उनकी फांसी की सजा आज से 30 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को मुकर्रर की गई। वकील हो आप उसके? अगर आप ही हाथ खड़े कर दोगे तो बस दलीले बहाने अफसोस, लेकिन कोशिश कोई नहीं कर रहा। अरे अब भी 15 दिन बाकी है अब्दुल्ला साहब, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम हमारी वीजा करवा दीजिए। हम 4 औरतें खुद आपकी सरकार से इंसाफ मांग लेंगे, नहीं तो याद रखिए उसके साथ हम भी फांसी लगा लेंगे। पागल हो गई है तू? ये हमारे पापा हैं। ये पापा नहीं है हमारे। क्या कर रहे हो तुम? नहीं है हमारे पापा। थक गई हूँ मैं इन छोटों पैटों तस्वीरों में पापा को ढूंढते ढूंढते। अरे तुम्हारे पास यादें तो है, मेरे पास तो एक तस्वीर तक नहीं है। जो काम 15 दिन बाद होना था ना, वो मैंने आज खत्म कर दिया। संस्कार बस करो बुआ, बस करो। कुछ खत्म नहीं होगा। करो, मैं कुछ खत्म होने नहीं दूंगी। बस मजबूर करो हमें आधी जिंदगी जीने पर। मेरी माँ आधी विधवा है, एक बार अपने पति को रोकर उसे आगे बढ़ने दो। आपके पास खुद का तो कुछ है नहीं,
अपनी इस लड़ाई को हमारी जिंदगी मत बनाओ, रिहा करो हमारे परिवार को। पूनम, एक फोटो ते है पुत्र, हाँ वेख जरा, एक फोटो ते तेरा भी है। बस ठप्पा लगते ही आप पाकिस्तान के अंदर। बस बस 18 साल लग गए। लो जी हो गया। ओए दलवीरे, तेरी मेरी नई ने भी कोई गल नहीं। ओए रिश्ते तो खत्म नहीं होते ना। सरबजीत मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, वो उसकी कुड़ियों को यहाँ अकेले थोड़ी आने देता। परमिशन आने तक यहीं सर्किट हाउस में इंतजार कीजिए। परमिशन कब तक आएगी? सिर्फ 6 दिन का वीजा मिला है, 28 को वापस जाना है। ओहो, 28 को ही वापस? नहीं, 2 दिन और रुक जाते तो 1 तारीख को फांसी भी देख के ही जाते फिर। जी चलिए चलिए, घूर क्या रहा है? सदर पाकिस्तान जनाब अशरफ, जैसा कि आपको इल्म है। बहन जी, पराठे तो सारे ही भूस गए ने। गर्मियों में तो सुबह के बने शाम तक नहीं टिकते, 2 दिन कैसे टिकेंगे? कल ही सारी खीर भी फेंकी। ये करेले सपन जरा चख के बता, करेले तो ठीक है ना? और जी कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? तकलीफ? इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है कि वो हमसे 4 कदम दूर है और अब 2 दिन में भी वो फासला नहीं तय कर पाए। आप तो जी फिजूल के कसीदे पढ़ने लगी फिर से। चलिए कल का वक्त मुकर्रर कर देते हैं, मिल लीजिएगा आप सुकून। चार दिन पर सवेरे तेरे घर वाले आ रहे हैं तुझसे मिलने, तैयार नहीं होना। मेरे घर वाले ऐसे मुझको मिलने? ओए सच कह रहा हूँ। गुस्सा मत दिला रंजीते, वो आ रहे ना? हाँ, 1-2 घंटे में। चाह पाएंगे तो चाह पूछा भिजवा देंगे। मैं खुद बना सकता हूँ।
होगा। आओ चलो उधर। बोल बात बाद में लेके जाना। हमसे बात नहीं करनी, तेरी आवाज सुनने को तरस गए। ठीक हो? अब हौसला रखो। हौसला किस बात का? ये कोटरी तेरी जवानी खा गई रे। सच्ची मैंने तो शीशा देखे यार सा हो गया। बस थोड़े बाल पक गए, नहीं तो मेरे वीरा जैसा कोई है ही नहीं। रहने तेरे बाल क्या खुली हवा में घूम घूम के सफेद हुए। सुख तू तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। बस मेरे नाम दी लिपस्टिक पूरी। मंदिर पाजी सत श्री अकाल। ठंडू तो बिल्कुल तेरे तक गई है। एनु कुछ खिलांदे पिलांदे नहीं हूँ क्या? अभी टाइम है हमारे पास। ऐसे हो बच्चों थानू ठीक तरह हुआ एक तो ना वा रब पला करे तू तो ना पला करे
तलवीर, तू बचा ले मेरे परिवार। चुप कर चल, चुप कर, ऐड़ा कर तू। क्या बनाइए तुम्हारे वास्ते? करेले लायू जी, बाकी कुछ तो बचिया नहीं। डिब्बा विब्बा अंदर नहीं जाएगा। अंगूरी उनसे बुना है, सर्दियों में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। सर्दियाँ? सर्दियों से तो बहुत पहले कार आ जाओगी तुसी। ओए, सिख गई तो। और कुछ था ही नहीं कर ले। चलो जी चलो, हो गया। हो गया। याद कदम। अभी तो बात ही नहीं हुई है। चलो उठाओ। दो मिनट। चल। उठो उठो। चल। चल बाहर चलो यहाँ से। चलिए सब लोग बाहर। चलो खत्म हो गया। जी खड़े क्यों हो गए? चलो यहां से। इतने क्या घर बसाना है? चलिए चलो बीबी चलिए। वो जा रहे हैं जी। 47 मिनट पापा के साथ। सदरे पाकिस्तान से सरबजीत के लिए माफी मांगी थी ना आपने? उसी का जवाब है ये। तो मुझे जवाब सुनना। मेरा भाई बेकसूर है। सबका कोई जवाब नहीं मिल रहा। मेरा भाई बेकसूर है। अगर मैं ठीक नहीं है, मुझे इससे बात करनी है। ये लोग सच नहीं जानते। लेके जाइए आप। पाकिस्तान के लोग सच नहीं जानते। चाहिए आप। उस हादसे में मेरी आंखों के सामने मेरे वालिद हलाक हो गए। जो पुलिस ने कहा मैंने बता दिया। उन्होंने कहा ये रंजीत सिंह है, मैंने मान लिया। सलीम अली जो सरबजीत केस के इकलौते चश्मदीद गवाह है, वो अपने बयान से मुकर चुके हैं। वो देख रहे हैं आप? इस टीवी इंटरव्यू की कोई वैल्यू नहीं। बयान सिर्फ कोर्ट में बदला जा सकता। तो ले जाइए ना उसे कोर्ट। फांसी रुकवाइए। संडे है आज मोहतरमा, और 3 दिन में इस मुल्क की सरकार भी बदल जाएगी। तब तक हम कोई नई अपील भी नहीं डाल सकते। ये साजिश है आप लोगों की। इसकी बेगुनाही के सबूतों को नकार रहे हैं आप लोग। आपका गुस्सा वाजिब। रेड दीजिए अब्दुल्ला साहब, रेड दीजिए। ये रहा माफीनामा। अशरफ साहब ने मौका दिया है ना आपको। अगर वो 27 फैमिलीज आपके भाई के माफीनामे पे दस्तखत कर दें तो
सरबजीत को भी माफी मिल सकती है। परसों जा रही है ना आप, ये कोशिश भी कर लें। नामी मस्जिद दिल्ली के शाह इनाम अंसारी ने अपने अपील में कहा है, पाकिस्तान की आवाम से और सदर पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो सरबजीत के मुद्दे को इंसानियत की नजर से देखें। बीबी, बीबी कोई आया है लेकिन अंदर आने से मना कर रहा है, बाहर चबूतरे पे बैठा है। बिलाल नाम था उसका, मेरा भाई, सिर्फ 21 साल का था। दफनाने के लिए पूरी लाश तक नहीं मिली। तुम्हारे भाई के गुनाहों की सजा खुदा तय करेंगे, हम नहीं। पर वो बेगुनाह है, मेरा भाई बेगुनाह है। बीबी, बेगुनाह तो परिवार है दोनों तरफ, लेकिन सजा तो काट रहे हैं ना। दलवीर जी, बीबी, हमारी नई हुकूमत ने पाकिस्तान में सजाए मौत पर गैर मुद्दती स्टे लगा दिया है। बहन जी, अनिश्चित काल रोक, यानी कि सरबजीत की फांसी की तारीख फिलहाल के लिए रद्द। इसका मतलब हम घर आ रहे हैं? अभी नहीं, पर जरूर। India's largest city, Mumbai, was taken under siege last night by suspected Pakistani terrorists. Score of innocent citizens were ruthlessly murdered and several are suspected to be still held hostage. The whole world watches in shock as Indian democracy is under attack. Koi nahi sunega. Tum meri suno. Tum is kambakht bus mein baithkar hargiz nahi jaoge wahan. Is kambakht bus ko to aaj rawana hona hi, ammi. Aur waise bhi aaj Bakar Eid hai. माहौल में कुर्बानी। गुस्सा तो आप में भी बहुत होगा, आपको नहीं जतानी अपनी नाराजगी? नाराजगी तो जता रहे हैं इतने सालों से। ये क्या मजाक है, एक ही आदमी आया बस? यहाँ हम इतना सब कुछ जेल के अमन के लिए इकट्ठा हुए हैं और वहाँ से ये जो आप, बस एक आदमी। मशाल एक हो या एक लाख, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है उसे जलाने के लिए। नफरत हो या मोहब्बत, सिर्फ एक कलेजा चाहिए उसे पनपने के लिए। अरे जाओ जाओ, जब हाथ में बंदूक हो तो कलेजों में नफरत के अलावा कुछ नहीं पनप सकता। अस्सलाम वालेकुम हिंदुस्तान। ओ जी, अवैध शेख ना है मेरा, लाहौर का एक अदना सा वकील हूँ जी। खुदा का शुक्र है कि आज तक गोली बंदूक से कभी वास्ता नहीं पड़ा और ना ही कभी पड़ेगा जी। मालूम था कि साथ में कोई नहीं चल रहा है, पर फिर भी यहाँ अकेला चला आया हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि अमन के वास्ते उठी एक आवाज भी दुश्मनी के शोर पर पारी है। सरबजीत के केस के बारे में बहुत सुना है, आप फिक्र ना करें, मैं मिलाऊंगा उसके वकील से और वादा करता हूं आपसे कि आपसे पाकिस्तान में भी कोई उसका अपना होगा। गोली बारूद के शोर में अमन का संदेश लेकर पाकिस्तान से जो शख्स आए, रंजीत का वकील अब्दुल्ला हसन, ना पिछली 3 तारीखों में आया है ना अब आएगा। लेकिन ये तो सरासर गलत है ना जनाब, ऐसे तो अपील खुद ब खुद खारिज हो जाएगी। और वैसे भी हुजूर, ये सरबजीत की रिहाई का आखिरी मौका है। रंजीत। हुजूर, सिर्फ एक तरीक ही तो मांग रहा हूँ आपसे, मुझे आपके लिए तो एक मामूली सी तरीक है, और उसके लिए
थोड़ी और जिंदगी। शेख साहब, ना तो आप उसके मुकर्रर वकील हैं, ना कोई नजदीकी रिश्तेदार। इंसानियत वाला रिश्ता है जी, पर अफसोस वो हमारे मुल्कों में चलता कहां है। ये अपील मैं खारिज कर रहा हूं, लेकिन उसके वकील के पास 48 घंटे हैं एक आखिरी पिटीशन फाइल करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। मसीहा बनने का शौक है तो कोई और मुद्दा उठा ले, कुछ नहीं हो सकता इस हिंदुस्तानी का। कोशिश तो हम लोगों ने भी बहुत की। तकलीफ तो यही है कि कोशिश आपने उसे हिंदुस्तानी मान के की, अपना मुवक्किल नहीं। ओ अल्लाह के बंदे, इंसानियत से ना सही, पेशे से तो ईमानदारी रखते। तो आप दिखाएं अपनी इंसानियत और ईमानदारी। अरे अकेला ये क्यों, बहुत सारे काफिर है हमारी जेलों में, पर ये सबके मसीहा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और भी फाइलें हैं मेरे पास, लीजिए, चाहिए। पाकिस्तान से? हेलो, सलाम अलैकुम आपा। अवैध शेख बोल रहा हूँ, पहचाना? मुझे सरबजीत के लिए नई अपील फाइल करनी है जी। सिर्फ 24 घंटे का वक्त है हमारे पास, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी ईमेल कर दें, ठीक है जी? पुआ जी, सब ठीक तो है ना? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं आपको उस आदमी से मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। उसके वकील से कोई अर्जी नहीं आई हमारे पास। जनाब वो वकील बर्खास्त हो चुके हैं, मैं नया वकील हूँ। आपके पास कोई कागजात नहीं है? वही तो दस्तखत करवाने हैं जी। बिना कोर्ट ऑर्डर के हम कोई भी कागजात आपको अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दे सकते, समझ गए आप? लाजिम है, यानी बिना कागजात के मैं अंदर जा सकता हूँ, हैं जी? हैं जी? ये फांसी बैरक है और ये बदबू खौफ की। चल चल जल्दी। यहाँ आधे से ज्यादा अपने होशो आवाज गवा चुके हैं और बाकी रहते हैं तन्हाई सेल, यानी सॉलिटरी में। वाह जी, मौत देते नहीं हो और जिंदगी छीन लेते हो। सरब जी, इस नाते तो पिछली बारी मेरे अपनों ने पुकारा था मुझे। गैर तो मैं भी नहीं भाईजान, मेरा नाम अवैध शेख है और मैं अब से आपका वकील हूँ। वक्त कम है इसलिए सवाल नहीं, सिर्फ मुझ पर एतबार करें। वकील है और इन कागजात पर दस्तखत। तुम इन बैठ जाओ, मुझसे ना ज्यादा लोग मिलने नहीं आते। वादा करता हूँ भाईजान, जल्द लौटूंगा और जब लौटूंगा इंशाल्लाह अच्छी खबर लेकर लौटूंगा। अपना ख्याल रखें। मुद्दे पर आते हैं जी, आपके बारे में एक बात सुनी है कि अगर आप किसी चीज के पीछे पड़ जाएं तो उसे कयामत तक नहीं छोड़ती। किसके पीछे पड़ना है? रंजीत सिंह के जी। अगर गुनाह रंजीत सिंह के नाम है तो सजा भी उस बदजात को मिलनी चाहिए ना जी। जी आपके पास सारे सबूत है सरबजीत की असली पहचान के, लेकिन कोई मान नहीं रहा। जाहिर है जी, कोई भी अपनी गलती कबूल नहीं करना चाहता और इसीलिए कोई असली मट्टू को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मेरे बेटे का है जी, जी। अब से आपके काम आएगा। शुक्रिया। अपनी बुआ जी को जरा गूगल मियां से मिलवाओ। गूगल? सुना है खुदा के अलावा सब कुछ ढूंढ सकते हो। वीर जी, ये कमीना तो हमारे आंखों के सामने यही छुपा बैठा है। दलवीर जी, मेरे पास रंजीत सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको भेज सकता हूँ। लाहौर पाकिस्तान 1990 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का इल्जाम रंजीत सिंह पर है, पर सजा सरबजीत सिंह काट रहा है। रंजीत सिंह उर्फ मुमताज शरीफ उर्फ अनमोल सिंह के नाम पे चार चार मुल्कों में रहने वाला ये शख्स कौन है? एक पत्रकार, एक आतंकवादी, एक बिजनेसमैन या एक डबल एजेंट? पाकिस्तानी वकील अवैध शेख का कहना है कि जल्दी उनके पास कुछ ऐसे सबूत आ जाएंगे जिनके बिना पर वो सरबजीत का केस रीओपन करवाने की अपील दायर करेंगे। हिंदुस्तानी का केस लड़ रहा है। हिंदुस्तानी का केस? हाँ। काफिर, दज्जाल। मुझे कमाल है, वकील होके वकालत करने की हिमाकत करता है, क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा मुवक्किल गुनहगार है कि बेगुनाह। जी उसे हिंदुस्तानी होने की सजा तो मिल
ठंडू आ गई है कि नहीं आई? पापा को तो आने देती है। इतनी वड्डी हो गई तू? रंजीत सिंह फ्रॉड के केस में अरेस्ट हुआ है चंडीगढ़ में। कल कोर्ट में उसकी पेशी है। उठे देखो बहन जी। निर्दोष 20 साल से तेरे कर्मों की सजा काट रहा है और तुझे रब का जरा भी खौफ नहीं। अरे बेशर्मा, अब तू नहीं बचेगा। सारे सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने, तुझे फांसी चढ़वा के छोड़ूंगी मैं। सबूत? बहन जी, सबूत और मैं सालों से खुले घूम रहे हैं, कुछ हुआ? कुछ होगा भी नहीं। मुझे अरेस्ट किया नहीं, मैं खुद अरेस्ट हुआ हूँ। मुझे बचाने वाले आपकी पहुंच और बद्दुआओं से बहुत दूर हैं। चलो ए। पहचान वापस दे दी पर रिहाई नहीं। पकड़ा गया वो रंजीत सिंह। और किन्ने सबूत चाहिए आपकी सरकार नो मेरी बेगुनाही दे? भाईजान, सियासत ने कभी अपनी गलती कबूल की है जॉब करेगी? आपके हिंदुस्तानियों ने उसे 4 दिन में छोड़ दिया। यहाँ पकड़ा जाता तो मैं, खैर बस आप हौसला ना छोड़ें। हौसला मैंने चढ़ गया, अब सिर्फ जिद बाकी है। जिद्दी तो मैं भी बहुत ऊँची। ऊँची मंजिल कितनी ऊँची क्यों ना हो, रास्ते तो कदमों के तले ही होते हैं ना। शेख साहब, आप नसीब में यकीन करते हैं? ये लकीरा ना बड़ी डीट है, मुट्ठी में तो बंद हो जाती है पर काबू में नहीं आती। नसीब तो उनके भी होते हैं भाईजान, जिनके हाथ नहीं होते। सुन, सुखबीर याद है ना तुझे? अरे वो 11 नंबर बैरक वाला, अब वो सलमान हो गया। दिन में 5 बार खुली हवा में आता है नमाज के लिए। सुना है अगली ईद तक उसे रिहा भी कर देंगे।
अगर तू चाहे तो मैं वाहे गुरु अवस्था पला करे तरस के तू नाम पहचान वापस मिली है अपनी बदलना myself Sarbjit Singh Atwa son of Sulakhan Singh Atwa Pind Vikivan India 26/11 मुंबई अटैक के मुख्य आरोपी अजमल कसाब की मर्सी पिटीशन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। कसाब की फांसी की तारीख अब मुकर्रर है। मुझे 6 महीने हो चुके चक्कर लगाते हुए, आखिर मुलाकात मुमकिन हो पाएगी कि नहीं? दे रहे हैं शेख साहब, कोर्ट के ऑर्डर्स के बिना हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। आप सिर्फ दवाइयां देनी होगी। आप चलिए मेरे साथ, आप आइए सिर्फ दवाइयां। पापा को शादी की सारी फोटोज दिखाऊंगी। ठीक है, आइए। अरे वीर जी, काम हो गया? एक ही वीजा मिला है जी। एक ही? खुदा जानते हैं कि आपका ये वीजा कितनी मुश्किलों से लगा है। मैंने पुरजोर कोशिश की आप सबके लिए, पर जी अफसोस। मजाक कर रहे हैं वो हमारे साथ। कमाल है जी, यहाँ अजमल कसब को सजा क्या सुना दी, उसका हर जाना हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं अकेली कैसे जाऊंगी? हाँ, सारबजीत को क्या जवाब दूंगी मैं? बीवी बच्चियां हैं उसकी, इनका हक है उससे मिलने का। बैठ दीजिए बहन जी, उसकी बीवी बचिया इतने सालों से सिर्फ भरोसे पे ही तो जी रही है। हक्का मिला हमें आज तक। ओ ना जी ना, आपको आपका हक भी मिलेगा और मैं वादा करता हूँ जी, बहुत जल्द सरबजीत को यहाँ वापस भी लेकर आऊंगा। आप देखें जी। क्या देखें भाई साहब, आंखें तो पथरा गई हैं। अब आप दोनों ही हैं, आपकी ही जंग है, हमारे लिए तो बस इंतजार है। कुछ भी करके तुझसे मिलने आऊंगी। अच्छा ये देख, स्वपन पर तेरी परांदी किरण नहीं जांच रही है, एक सारी फोटो भी भेज दी थी। अब कुछ नहीं मिल रहे थे, अपने कर्म भोग रहा। ऐसा क्या हो गया मेरे तो, जो इन्नी बद्दुआएं लग गई मैनू? सी बातें कर रहा है चल, तेरा परिवार तेरे लिए, सारा मुल्क तेरे लिए दुआएं जोड़ रहा है, तभी तो तू सलामत है। सलामत आम, सलामत आम, सलामत आम। ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਗਲੇ ਲਗਾਏ, 21 ਸਾਲੋਂ ਮੈਂ 11 ਵਾਰ ਸਬਰ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੱਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੂਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਮਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੂਬਦੀ ਹੈ। क्या गलती हो गई मुझसे पहले, क्या गलती हो गई उस दिन का, एक एक मिनट से बार बार चिंता पहले, मैं पागल हो रहा हूँ, पागल नहीं हो रहा, पागल हो रहा, मैं बचा ला, कुछ नहीं हो रहा, मैं बचा ला, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं बचा ला, मैं माफ करें आपा,
आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, आगे बस मिल जाएगी। अगर आप पीछे हटना चाहें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। आप हटेंगी? नहीं, पर मैं तो अपनी वीर है, अपनी भाई के लिए लड़ रही हूँ। मैं भी चले। क्या आपको लगता है जनाब अंसारी वो मसीहा है जिनका आपको इंतजार था? आपके मुल्क में हमारे लोगों को सजाए मौत दी जा रही है और आप यहाँ सरबजीत को रिहा कराने आई हैं? ना ना कर बंदिया मेरी तेरी, चार दिन आधा फेरे दुनिया, फिर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। वाह दलवीर जी वाह, क्या रॉ की ट्रेनिंग में अब शायरी सिखाना शुरू कर दिया? अरे अगर हम जैसे मामूली लोग आपकी जगह होते तो कभी ये जबरदस्त जुमलेबाजी ना कर पाते। क्यों हमारे मुल्कों में सिर्फ शक का रिश्ता है? अरे हम तो जमीन से जुड़े हैं, हम तो मक्के की रोटी सरसों के खेत से जुड़े हैं। कब हमारे रिश्तों में इतने फासले आ गए? क्यों हर हिंदुस्तानी दुश्मन है और हर पाकिस्तानी आतंकवादी है? अरे नाराजगी ही सही, एक बार गले मिलकर तो देखो, दुश्मन नहीं भाई मिलेगा। सरबजीत भी आप ही का भाई है, अपने भाई से कैसी नफरत? जनाब अंसारी वो मेरा ही नहीं आपका भी भाई है। खून तो ना गेरुआ है ना हरा, हम तो खून की लाली से जुड़े हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम इस बहन की फरियाद सुनेगी? वीरे राजे भैजा भैजा, आज मेरे नाल मेरे हाथ दखा, भैजा भैजा। एला ऐते तेरा बड़ा नाम हो गया, जेल च भी सब लोग तेरे बारे में बड़ी इज्जत से बात करते हैं। देख देख, पता नहीं मेरे लिए कहां कहां से अखबार इकट्ठे करके ले आए। बढ़िया है, देख तो जो होना होगा हो जाएगा, पर तेरे पास अब ताकत है, हैसियत है, तो किसी और की भी मदद कर सकते। ताकत हैसियत अगर कुछ कर सकती है तो आज अपने घर के आंगन में बैठे होते, उम्रें निकल गई दरवाजे पीटते पीटते, सवालों के जवाब देते देते, भाषण देती हूँ तालियां सुनती हूँ और भाषण देती हूँ और तालियां सुनती हूँ। ये अखबार है, ये खबरें है ना, तफरे हैं सब, मजाक है। मैं भी मजाक, कुछ नहीं कर पाई इतने सालों में, कुछ नहीं कर पाई। ओए तू मैनू सरबजीत बना था, मेरा नाम सरबजीत पूरी दुनिया में घूम रहा है आजाद। सरबजीत दी भैन बाबा पाकिस्तानी लड़का 11 साल का सी जब दिल्ली रेलवे स्टेशन ते अपने परिवार तो बिछड़ गया, लकवाए से इसके बावजूद इन्ने सालों से हमारे तिहाड़ जेल में बंद है। तू है इसकी मां के पास लौटा दे। वाह
वादा कर मुझे। तो सब लोग कहते हैं ना कि वो मुझ में अपना पाई देखे, तू इस मासूम में अपने सरबजीत को देख। खाना खाला, इन्हीं प्यार नाल बनाया तेरे लिए खाना खाला। वापस तो खैर आप बॉर्डर चेक पोस्ट से ही जाएंगी जी, लेकिन जाने से पहले सोचा आपको एक ऐसी जगह दिखा दूं जहां कोई लकीरें नहीं खींची। सर से सजदा तो सब करते हैं, हम दिल को झुका कर जाएंगे। रूठा मुकद्दर तेरे ही दर से, आज मना कर जाएंगे। हम जो आए बुलाया है तू शुक्रिया, तो फिर कर दे खत्म ये जो सरहद है हमारे दरमियां। आज पाकिस्तान के नए सदर आजम मियां अंसारी अपने बेटे हिलाल के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे। पाकिस्तान से बेहतर रिश्तों की पहल करते हुए हिंदुस्तान ने खलील चिश्ती को छोड़ने का फैसला लिया है। होप्स एंड हाय फॉर सरबजीत रिलीज एज वेल। बहादुर आँख में जितना मेरे पानी है, हम हार तुझसा नहीं है, देख ली करके नादानिया। बरसों की कह दिलम हो मैं तू बनाता है आजादिया। तेरी फितरत है खुदा करना, तेरी आदत है माफ करना। खुशबू में महका हूं मैं, सरगोशियों से मुझ में हुई गए परिंदों की तरह जहका हूं मैं। सब आर पार दिखने लगा है, मैं बन गया मेरा आईना। खुद का ही खुद से यूं हो गया है हर मोड़ पे सामना। तेरे कर्म से मिले सनम से खुशियां कर मोतल पीछी पड़ी है। बोल रहे हो तुम? इतना गंदा मजाक सरबजीत नहीं सुरजीत,
धमाकों के इल्जाम में कोर्ट लखपत जेल में कैद भारतीय शहरी सरबजीत सिंह की रिहाई की कहानी सदाबहार की तर्जुमान पर अथॉरिटीज हैव टेकन स्टेप्स फॉर द रिलीज ऑफ अनदर इंडियन। देर रात पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के प्रवक्ता फरातुल्लाह बाबर के हवाले से खबर आई कि पाकिस्तान सरबजीत को नहीं बल्कि सुरजीत सिंह को रिहा करने वाला है। सुरजीत सिंह भी पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में ही बंद है। सरबजीत की रिहाई की खबर पर पलटते हुए जरदारी के प्रवक्ता ने पीटीआई से कहा है कि मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। पहले तो ये कि माफी का मामला नहीं है, दूसरा ये कि सरबजीत नहीं सुरजीत की रिहाई होने वाली है। से बहुत बड़े हो गए हो ना, आपकी लड़ाई आपका दुख सब हमसे बहुत बड़ा है। आज बलिदान देने चले थे, किन्नी महान है दलवीर, अपने भाई के लिए अपनी जान तक दे दी। खूब वाहवाही, सब जगह चर्चे, दुनिया के लिए मसाल है बहन। मैं उसकी बीवी हूं, मैंने भी कितनी बार सोचा सब खत्म कर दूं, इन जिम्मेदारियों से इन उम्मीदों से खुद को आजाद कर दूं, पर आप कहते रहे कि उसे वापस कार लेकर आओगे और मैं सुनती रही। लेकिन मेरा पति कर नहीं आया। जो आदमी आज जेल से छूटा है वो 32 साल वहां बंद था, अपनी सजा खत्म होने के 21 साल बाद। मुल्क तो क्या, उसका परिवार तक उसे भूल गया था, लेकिन वो आज अपने घर है। मेरा पति नहीं। मैं जानती हूं मेरी गलती है, आप समझ क्यों नहीं रहे। सरबजीत अगर आज जिंदा है तो बस इसलिए क्योंकि वो इतना बड़ा मुद्दा है। उसके नाम पे आज एक छोटा है, कल हो आएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने चुप बैठने की गलती नहीं की। आपने इस लड़ाई को जिंदा रखा, मुझे जिंदा रखा, लेकिन याद रखिए मैं सिर्फ जी रही हूं। जिंदगी तो सरबजीत के साथ ही वापस लौटेगी, इसलिए खबरदार खबरदार जो अब आपने अपने कदम पीछे उठाए, खबरदार। वीर जी पेटिशन लगा दो। आप जानती है ना कि ये आखिरी मौका है। तो फिर जी जान लगा देते हैं। रविंद्र जी, सरबजीत की पूरी फैमिली यहाँ पे पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठी है। आप यहाँ पे सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, बताइए रविंद्र जी, जवाब दीजिए। रविंद्र जी, सारा देश सरबजीत के साथ है, हमारी सरकार क्यों नहीं? जी मैं वादा करता हूँ कि अब सरकार भी आपके साथ है,
जी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई के गुनहगार अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई। पाकिस्तान में स्थिति बहुत तनावपूर्ण। दोनों तरफ की लाशों के कारोबार को बंद करना होगा। हमारे पास भी कुछ ऐसे सजायाफ्ता मुजरिम है जिनकी रिहाई पाकिस्तान चाहता है। अगर हम अफजल गुरु के बदले सरबजीत की रिहाई मांगे तो? एक इंसान जिस पर हमारे देश के पार्लियामेंट पर हमले का इल्जाम है, उसके बदले हमें हमारे पापा की रिहाई नहीं चाहिए। देश के लिए हमारे क्या हजारों के पापा अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज कंडमड द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, कॉलिंग इट अ स्टेन ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। अजमल कसाब को आतंकवादी कहकर एक साल में फांसी दे दी, तो फिर हम सरबजीत सिंह जैसे आतंकवादी की जान इतने सालों से क्यों महफूज करके बैठे हैं? खून का बदला खून। अरे ये तो अपने चंबेल सिंह है, अभी तो और काफिर गिरेंगे। वहां एक, यहां दस। जल्दी करो मियां। अरे यार घर से करके निकला करो ना, जहां देखो शुरू हो जाते हो। बैठो, फिल्म भी है, आपको स्कूल छोड़ के 9 बजे तक जेल पहुंचना है मुझे। जब तक इंडियन हाई कमीशन वाले नहीं आ जाते हिलूंगा नहीं वहां से। हाथ है इंसान जेल में भी महफूज नहीं। इसी उम्मीद के साथ जी रही हूँ कि एक दिन सरबजीत अपने घर वापस आएगा, और इस उम्मीद को आप ही ने जिंदा रखा है। आज से पूरे 5 साल पहले उन्हें देखा था। इन्ने साल अंधेरे च काट लिते कि हुन खुली अखां तो सपने देखता। अज वो दिन है जब मैनू रिहाई मिलेगी। अज मैं अपने घर, अपने लोकां, अपनी मिट्टी च वापस जाऊंगा। फिर शाम होंदे होंदे खुद नूं समझांदा, कल वो दिन होगा जब मैं आजाद। Thank you.
किसी में तो इंसानियत जिंदा रहने दो। अरे लानत है तुम्हारे इस गुस्से पर, लानत है तुम्हारे इस बदले पर। इंसाफ की बात करते हो? आप लोगों को जो करना था कर चुके। बेगुनाह निहत्थे कैदी पर जेल के अंदर हमला करवाया, इंसाफ है ये? अरे लानत है ये। अब हम चार औरतों के नाम फतवा निकाला है, जाओ कह दो अपने तालिबान से जगह और वक्त बता दे, ये सिखड़ी वहां आ जाएगी। आप लोगों को बस पीठ पर वार करना आता है, पर हम हिंदुस्तानियों ने कभी पीठ दिखाना सीखा ही नहीं है। खड़ी हूँ सामने, हिम्मत है तो आकर सीने पर गोली चलाओ। हिम्मत है हिम्मत। हट अंदर नहीं जा सकते जनाब, वो मेरा भी भाई है। परिवार वाले चलिए देख लिया ना भाई को, अब आप लोग जा सकते हैं, टाइम हो गया। चलिए हमें अपना काम करने दीजिए। अब तो अपने वतन, अपनी मिट्टी वापस आएगा, बाइज्जत। हम यहाँ पर किसी का एतबार नहीं कर सकते, आप सब लोग मेरे घर चले और अब से वहीं रुके। हम दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि पापा का इलाज वहीं से कराएं। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। पापा? पता है आपको उनकी उंगलियाँ हिली थी, मैंने देखा था, ये लोग कोमा। यहाँ भी इलाज हो सकता है, आप समझाइए इन्हें। पापा, पापा अगर आपको नहीं रुकना तो ठीक है, पर आप यहां की फिक्र ना करें। आपके नाम फतवा जारी हो चुका है, बेहतर होगा आप अपने परिवार के साथ पाकिस्तान छोड़ दें। मुझे मुल्क है ये मेरा, और मैंने यहां से नहीं भागना। मियां, ये फैसला एक बाप की तरह लीजिए। वादा करके आई थी वो अपनी मिट्टी वापस आएगा, वापस ले आओ उसे, वापस ले आओ। और इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उस एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं जो इस वक्त अमृतसर एयरपोर्ट पर खड़ी है, और इसी एम्बुलेंस में सरबजीत सिंह का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा।
तेन भी सब मेरे ना ने जानेंगे सरबजीत की भैन बाबा सरबजीत की भैन बाबा पूरा पिंड मेरे कंधे से चक्के ले आएगा सब सलामी दोगे सरबजीत पूरी दुनिया में घूम रहा है हजार पाकिस्तानी लड़का इतने सालों से हमारे तिहाड़ जेल में बंद है तो सबनों कहंदी है ना कि मुझ में अपना भाई देखे तो इस मसूम में अपनी सरबजीत को देख सो जा दे दे आँखों को आराम रे
के सारा दिन चल के गुजारा, तू उलझनों का मारा, अब जाके आई है शाम रे। अरे यार यार यार, अरे यार यार, अरे यार यार यार, अरे यार यार। सुनाऊं बैठूं सिरहाने लोरिया में गाऊं, राहें तकती है ये अटारी, तीजों की घड़ियां सुनी ही गुजारी, सारे नजारे ये बहारे है तुझे पे वारे, ख्वाबों ने भेजा ये पैगाम रे, सो जा दे दे आँखों को आराम रे, के सारा दिन चल के है गुजारा, तू उलझनों का मारा, अब जाके आई है शाम रे। अरे यार यार यार, अरे यार यार, अरे यार यार यार, अरे यार यार। निंदिया ये लेगी तुझे थाम रे, सो जा दे दे आँखों को आराम रे, के सारा दिन चल के गुजारा, तू उलझनों का मारा, अब जाके आई है शाम रे। अरे यार यार यार, अरे यार यार, अरे यार यार यार, अरे यार।